जय हिंद। अब बात करते हैं हम अपने इंडिया के बारे में। तो देखिए, इंडिया का थोड़ा बैकग्राउंड जितना चैप्टर में है वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए, इंडिया 1947 से हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश इंडिया था, ठीक, और एक कुछ थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो छोटे छोटे जो राजा थे, एक तरीके से रजवाड़े जिन्हें बोलते हैं, वो रूल करते थे इन छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स को। और ये थी आपकी 565 इंडिया के अंदर, यही छोटी छोटी सी प्रिंसली स्टेट्स थी 565। अब जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये प्रिंसली स्टेट्स को ये क्या दे दी गई, ये उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि उनकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रखना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कुछ रियासतें प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत इंडिया को परेशान किया इंडिया का पार्ट ना बनने के लिए, ठीक है। जिसमें आपकी हैदराबाद आती है, इसमें आपका कश्मीर आता है, ठीक है, इसमें आपका जूनागढ़ आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, जब इंडिया ने पाकिस्तान बनाया, तो यहाँ देखते हैं कि दो पाकिस्तान बने थे, एक था ईस्टर्न और एक था वेस्टर्न। वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज हमारा पाकिस्तान है, और आपका जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश हम देखते हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है, जो 1971 में बना था। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में, और वहाँ हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है आपका 1971 में फॉर्म हुआ। अब आप ये देखिए कि इतनी सारी 565 जो ये प्रिंसली स्टेट्स इन रियासतें थी, इनको किसने इंटीग्रेट कराया इंडिया में, इंडिया में इसमें किसका पार्ट, किसने इसका पार्ट बनाया? क्योंकि ये तो कुछ तो ये भी कह रही थी हैदराबाद, तो ये कह रहा था कि हम भाई हम तो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे इनको पाकिस्तान का पार्ट बना देंगे? क्या इंडिया की कोई इंटीग्रिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है कि छोटे छोटे पाकिस्तान इंडिया में बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया। और इसमें रोल है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को क्या कराया, इंटीग्रेट कराया। उनको अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। उसके बाद देखें हम यहाँ की ज्योग्राफी, तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है इंडिया। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है इंडिया है, और फर्स्ट पर आपकी रशिया आ जाती है, ठीक है। कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में भरी पड़ी। हम देखते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी रिलीजियस डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया कितना ज़्यादा बैलेंस करके सबको चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको सबको एक तरीके से इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की है। सराउंडेड बाय इंडियन ओशन, अगर बात करें इंडियन ओशन इन साउथ में, अरेबियन सी जो है ईस्ट में, और बे ऑफ बंगाल वेस्ट में देखने को मिलती है। तो आसपास जो है ज्योग्राफिकल फीचर जो है काफ़ी वास्ट है इंडिया के। उसके बाद बात करें पॉलिटिकल फीचर्स की, तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इंडिया का देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर पाई जाती है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन तो है ही, साथ में फ्लेक्सिबल और क्या है, रिजिड भी है। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब इसमें चेंज हो सकते हैं, रिजिड मतलब चेंज होंगे पर बहुत मुश्किल से चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक फीचर्स की इंडिया की, तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही मिलेगा आपको, ठीक है। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी खेलते हैं, और पब्लिक मतलब सरकार भी काम करती है पूरी तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। 1991 में हम देखते हैं कि इंडिया ने मेजर रिफॉर्म्स किए। मतलब जब सोचे कि इंडिया की इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली थी, तब एक मेजर डिसीजन लिया गया 1991 में, और एक LPG रिफॉर्म जो है यहाँ पर करे गए, ठीक है। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब अपनी मार्केट्स खोलिए, फ्री ट्रेड जो है इंडिया ने ओपनली स्टार्ट कर दिया। इंडियाज डेवलपमेंट जो है LPG के बाद बहुत एक्सेलरेट होता हुआ दिखा, बहुत तेज होता हुआ दिखा। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है इंडिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मिलिट्री के मामले में देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी है हमारी, ठीक है। नंबर्स ऑफ सोल्जर्स देखें तो 2nd हाईएस्ट सोल्जर्स जो है इंडिया के पास है, और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स जो हैं वो हैं। इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री मानी जाती है, मतलब इंडिया जो है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा इंडिया के ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री फीचर्स।